नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सितंबर महीने के नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और सितंबर महीने के जो करंट अफेयर्स है वो हम लोग जितने भी सारे स्टेट्स से नॉर्थ ईस्ट के अंदर सभी स्टेटों का मिला के कंपाइल करके मैं लाता हूँ आपके सामने आप लोगों को ये पता ही होगा सो so, हर महीने की तरह इस महीने का भी मतलब सेप्टेम्बर महीने का भी करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे अभी सो so, जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है रजत पॉल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इस यूट्यूब चैनल में जहाँ पे हम लोग एजुकेशन से लेके हर तरह के फैक्ट्स बेस्ड वीडियोज बनाते हैं और आप लोगों को जानकारी देते हैं हर एग्जाम के लिए भी और जानकारियां रखने के लिए भी सो so, पहला प्रश्न हुच स्टेट इज गियरिंग अप टू सेलिब्रेट मीम कूड फेस्टिवल फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इट बिकेम ए स्टेट द फेस्टिवल इज़ ए चेरिस्ट ओकेजन डेडिकेटेड टू ऑनर एंड रिमेंबर डिपार्टेड लवस कौन सा स्टेट सेलिब्रेट करने जा रहा है मीम कूड फेस्टिवल पहली बार पहली बार एक स्टेट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मीम कूड फेस्टिवल सेलिब्रेट करने जा रहा है और ये जो मीम कूड फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग अपने जो फॉर फादर से जो डिपार्टेड सोल है जो अभी इस दुनिया में नहीं है उन लोगों को डेडिकेट कर सके उन लोगों को श्रद्धांजलि दे सके एंड द आंसर इज़ मिज़ोराम द आंसर इज़ मिज़ोराम नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कंपनी एंटर इन टू एग्रीमेंट विद द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म नागालैंड टू सेट अप ए फाइव स्टार होटल विद ए मॉल इन डिमापुर एंड फाइव स्टार होटल इन कोहिमा कौन सी कंपनी ने नागालैंड का जो गवर्नमेंट है टूरिज्म डिपार्टमेंट उसे टाई अप किया है ताकि एक स्टेट ऑफ द आर्ट फाइव स्टार होटल बनाया जा सके कहाँ पे डिमापुर में और जो स्टेट कैपिटल है कोहिमा वहाँ पे भी एंड द आंसर इज होटल पोलो टावर्स ग्रुप होटल पोलो टावर्स ग्रुप नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड व्हिच स्पोर्ट इज गेटिंग पॉपुलर इन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड के हिसाब से नागालैंड के अंदर में कौन सा स्पोर्ट ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है एंड द आंसर इज़ फुटसेल ये एक फुटबॉल का ही एक वेरिएंट है मतलब फुटबॉल जैसा ही खेला जाता है लेकिन जैसे कि क्रिकेट में भी बहुत सारे वेरिएशंस है टी ट्वेंटी क्रिकेट फिफ्टी ओवर्स क्रिकेट ठीक उसी तरह से फुटसेल भी फुटबॉल का ही एक तरह से वेरिएंट कह सकते हैं आप लोग एंड द आंसर इज़ फुटसेल नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न कंपनी टू रिसीव द प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर बेस्ट प्रैक्टिस इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एट द सी आई आई डी एक्स एवॉर्ड कौन सा कंपनी बन गया नॉर्थ ईस्ट का पहला कंपनी जिसने रिसीव किया अवार्ड फॉर बेस्ट प्रैक्टिस इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे एट द सी आई आई डी एक्स एवॉर्ड एंड द आंसर इज नागाट एंड द आंसर इज नागाट ये एक नागालैंड बेस्ड एडुकेशन कंपनी है और इसकी फाउंडर का नाम है केवी सातो सन्यू के बी सातो सन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द डेडिकेटेड एजुकेटर ऑफ रामकृष्ण मिशन स्कूल एट नारोत्तम नगर इन तिराप डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज ए रिसिपियट ऑफ द प्रेस्टिजियस नेशनल टीचर्स अवार्ड 2023 अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो तिराग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का एक स्कूल है उसका नाम है रामकृष्ण मिशन स्कूल और उस स्कूल के एक टीचर को मिला है नेशनल टीचर्स अवार्ड ट्वेंटी उस टीचर का नाम क्या है एंड द आंसर इज नेताई चंद्र दे नेताई चंद्र दे नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली विच वार मेमोरियल स्टेचू एट केकार मोयंग केबांग विलेज इन सियांग डिस्ट्रिक्ट वाज अनवील्ड बाय चोमा मेन ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश रिसेंटली एक वार मेमोरियल स्टेचू कहाँ पे केकार मोयांग केबांग विलेज में जो सियांग डिस्ट्रिक्ट में आता है वहाँ पे अनवील किया गया मतलब वो बनाया गया सर so, उस स्टेचू का नाम क्या है जो वार मेमोरियल स्टेचू है उसका नाम क्या है उसका नाम है एंग्लो अबोर वार एंग्लो अबोर वार जहाँ पे जो आदि ट्राइब है आदि मिशमी ट्राइब्स हम लोग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में आदि ट्राइब्स जो आदि ट्राइब्स है वो ट्राइब्स ने ब्रिटिशर्स जो आ रहे थे तब उनको रोकने का एक काम किया मतलब ब्रिटिशर्स के साथ जंग पे गए ताकि ब्रिटिशर्स जो बाकी देश के साथ में कर रहा था वो अरुणाचल प्रदेश में ट्राइबल लोगों के साथ में ना कर पाए तो उसको कहा जाता है द एंग्लो अबोर वार जो नाइनटीन से नाइनटीन के बीच में हुआ था जहाँ पे आदि वॉरियर्स ने फाइट किया था अरुणाचल प्रदेश से होके किसके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए मोमेंटस ओकेजन फॉर द पीपल ऑफ सिक्सटीन याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू अनाउंस द क्रिएशन ऑफ ए न्यू डिस्ट्रिक्ट दस फुलफिलिंग ए लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड फॉर द कम्युनिटी सो so, एक नया डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किया गया है अरुणाचल प्रदेश में उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है एंड द आंसर इज के केई पेन्यई पेन्यर और अरुणाचल प्रदेश में लास्ट जब 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू में आई गेस नया तीन डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किया गया था थ्री डिस्ट्रिक्ट एक का नाम था पाके केसांग एक का नाम था लेपाराडा और एक का नाम था सियोमी पाके केसांग लेपाराडा सियोमी नेक्स्ट क्वेश्चन द 2023 ट्वेंटी थ्री इंडिया विजन मंडाला फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन विच स्टेट इंडिया विजन मंडाला फेस्टिवल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री कहाँ पर होने वाला है एंड द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश मंडाला टॉप डिरंग डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है मंडाला टॉप कहा जाता है उसे वहाँ पे होगा इंडिया विजन मंडाला फेस्टिवल एक्चुअली उसे मंडाला टॉप कहने का एक रीज़न है वहाँ पे जहाँ पे मंडाला टॉप कहा जाता है मतलब एक पहाड़ है उसको ऊपर की जो चोटी है उसको कहा जाता है मंडाला टॉप तो यहाँ पे एक पास है जैसे हम लोग कहते हैं सेला पास दिरंग पास तो उस तरह से पास है सो तो उस पास का नाम भी है मंडाला पास और ये एक प्राइमरली एक टूरिस्ट स्पॉट भी आप लोग कह सकते हो जो भी आदमी लोग घूमने जाते हैं दिरांग डिस्ट्रिक्ट में वो लोग मंडाला पास घूमने जाते ही है और इसका यूनिक फीचर भी है इस पास का वहाँ पे 108 बुद्धिस्ट टूपाज है और उसे देखने के लिए ही लोग जाते हैं और ये जो बुद्धिस्ट टूपाज है एक ये एक सर्कुलर फॉर्म में बना हुआ है एक सर्कुलर फॉर्म में बना हुआ है और ये पहला ऐसा इस तरह का मतलब एक बुद्धिस्ट टूपाज है भारतवर्ष के अंदर में जहाँ पे हर एक जो बुद्धि स्तूपा है मतलब 108 जो पिलर है तो उस पर लिखा हुआ है ओम मनी पद्मे होम ये लिखा हुआ है तो इसके लिए ही वहाँ पे लोग जाते हैं देखने के लिए और जो मंदारा पास में जो ट्राइब रहता है वो ट्राइब या फिर वो कम्युनिटी आप लोग कह सकते हो उसका नाम है ब्रोकपा कम्युनिटी क्या है ब्रोकपा कम्युनिटी सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगी ये है हंड्रेड एंड एट बुद्धा स्तूपस सो हर एक स्तूपा जो है यहाँ पे उस पर लिखा हुआ है ओम मणि पद्मे होम ओम मणि पद्मे होम तो ये एक बहुत ही यूनिक सा चीज़ है आप लोग को इंडिया में हर एक चीज़ यूनिक मिल ही जाएगा क्योंकि इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है लेकिन ये जो डाइवर्सिफ़िकेशन है ना यहाँ पे झलकता है इंडिया का और इसे देखने के लिए बाहर बाहर से लोग आते हैं दिरांग पास देखने के लिए मंडाला पास देखने के लिए मंडाला टॉप देखने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जीरो लिटरेरी फेस्टिवल ये कहाँ पे होने वाला है ज़ीरो कहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में है सो जीरो लिटरेरी फेस्टिवल कहाँ पे होगा

ये जो व्यक्ति है ये आई ऑफिसर है मणिपुर से नेक्स्ट क्वेश्चन मणिपुरी फिल्म मेकर मयंग्लम्बम रोमी मेतई हैज़ ओन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर हिज़ डेब्यूट नॉन कॉमर्शियल फिल्म डैश एट द नाइन्टीन कजान इंटरनेशनल मुस्लिम फिल्म फेस्टिवल इन कजान सिटी रशिया मणिपुरी फिल्म मेकर मयंग्लम्बम रोमी मेतई और उन्होंने जीता है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड उनका जो डेब्यू फिल्म है जो कि एक नॉन कॉमर्शियल फिल्म है उसके लिए कहाँ पे जीता है नाइनटीन कजान इंटरनेशनल मुस्लिम फिल्म फेस्टिवल जो कजान सिटी में हुआ रशिया में सो so, उस मूवी का नाम क्या है एंड द आंसर इज एकगी यम एकगी यम जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से हम लोग को मिलता है उसका नाम है आवर होम एखोईगी यम नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द जर्नलिस्ट विथ रूट्स इन लमका

और उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है ये वॉल रन थ्रू इट ए वॉल रन थ्रू इट तो उस जर्नलिस्ट का नाम क्या है एंड द आंसर इज मेक पीस एंड द आंसर इज मेक पीस सिल्हो नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर ट्राई मेनी विलेजेस आर स्टिल विदाउट मोबाइल कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनके हिसाब से नॉर्थ ईस्ट के अंदर में कितने विलेजेस अभी भी मोबाइल कनेक्टिविटी से विचलित है मतलब अभी भी वहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचा नहीं है एंड द आंसर इज सिक्स थाउजेंड एंड द आंसर इज सिक्स थाउजेंड मतलब मोर देन सिक्स थाउजेंड सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी सिक्स विलेजेस नेक्स्ट क्वेश्चन विच विलेज एस क्लिनस्ड द प्रेस्टिजियस गोल्ड अवार्ड एंड रिसीव द टाइटल ऑफ इंडियज बेस्ट टूरिज्म विलेज कौन से विलेज ने जीता है प्रेस्टिजियस गोल्ड अवार्ड और एक टाइटल भी रिसीव किया है जिसका नाम है इंडियज बेस्ट टूरिज्म विलेज एंड द आंसर इज रेक विलेज मिज़ोराम का रेक विलेज नेक्स्ट क्वेश्चन मेघालय लॉन्चेस फर्स्ट ई साइकिल सर्किट इन सोहरा फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म सो बेसिकली ये जस्ट एक नोट है मतलब ये कोई क्वेश्चन नहीं है सो so यहाँ पे मैंने डायरेक्टली बताया कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया सो so मेघालय स्टेट ने लॉन्च किया पहली बार ई साइकिल सर्किट कहाँ पे सोहरा में ताकि सस्टेनेबल टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द एनचैंटिंग विलेज नेसल्ड इन द ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय दैट हैज बीन ओनर्ड विद द प्रेटीजियस बेस्ट टूरिज्म विलेज ब्रॉन्ज अवार्ड एट द नेशनल टूरिज्म अवार्ड्स 2023 बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक विलेज है मेघालय में उसको कहा जाता है कि उस विलेज जो है ना वहाँ पे हु करता है वो विलेज उसको कहा भी जाता है द हुसलिंग विलेज ऑफ इंडिया सो उस विलेज को मिला है द प्रेस्टिजियस बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड ब्रॉन्ज मिला है गोल्ड नहीं ब्रॉन्ज जो जो थर्ड है वो मिला है एट द नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2023 ट्वेंटी टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो उस विलेज का नाम क्या है एंड द आंसर इज खोंगथोंग विलेज खोंगथोंग विलेज नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द ट्वेंटी टू ईर ओल्ड फ्रॉम सेनापति डिस्ट्रिक्ट इन मणिपुर इज द फर्स्ट वोमन फ्रॉम द माउंड नागा कम्युनिटी हु जॉइन द इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर इन जनरल आफ्टर कंप्लीटिंग हर एस एस सी हंड्रेड एंड सिक्सटीन कोर्स इंक्लूडिंग थर्टी सिक्स वोमन डेट्स फ्रॉम द प्रेस्टिजियस ट्रेनिंग अकेडमी ओटीए इन चेन्नाई बाईस साल की एक लड़की जो सेनापति डिस्ट्रिक्ट से आती है मणिपुर की वो पहली महिला बनी माओ नागा कम्युनिटी की तरफ से जिसने किया इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर इन जनरल पे कहा चेन्नई में जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है चेन्नई वहां पे उसने कोर्स कंप्लीट किया अपना और वो बन गई माओ नागा कम्युनिटी की पहली महिला इंडियन आर्मी ऑफिसर और वो मणिपुर के सेनापति डिस्ट्रिक्ट से आती है 22 साल की महिला है ये उनका नाम क्या है एंड द आंसर इज लिटेनेंट सी एच एनोनी लिटेनेंट सी एच एनोनी नेक्स्ट क्वेश्चन अरण्यक विथ स्पेशल फोकस ऑन हुलॉक हुस ऑब्जर्व इंटरनेशनल प्राइमेट्स डे ऑन डैश डे अरण्यक एक एनजीओ है बेसिकली एनिमल एनजीओ है आसाम में बहुत ही पॉपुलर है नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है तो इस एनजीओ ने सेलिब्रेट किया या फिर ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल प्राइमेट्स डे कौन से दिन में इंटरनेशनल प्राइमेट डे कौन से दिन में मनाया भी जाता है एंड द आंसर इज वन सेप्टेंबर वन सेप्टेंबर और जो राइनो डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है वो सेलिब्रेट किया जाता है ट्वेंटी टू सेप्टेम्बर ट्वेंटी टू सेप्टेम्बर नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बिन एवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जीवन रक्षक पदक फॉर हिज सेल्फलेस एक्ट ऑफ ब्रेवरी द अवार्ड वॉज बेस्टोड अपॉन हिम बाय द गवर्नमेंट इन ऑनर ऑफ हज एक्स्ट्राऑर्डनरी रेस्क्यू ऑन अक्टूबर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी कौन से व्यक्ति को मिला प्रेस्टिजियस जीवन रक्षक पदक अवार्ड उनकी ब्रेवरी के लिए जो उन्होंने शो किया था और उनको इसी ब्रेवरी के लिए ये अवार्ड दिया गया है इसका नाम है जीवन रक्षक पदक अवार्ड एंड द आंसर इज आर खावलियाना आर खावलियाना ये एक 88 ईयर ओल्ड व्यक्ति है आर खावलियाना नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू फिश स्पीसीज डिस्कवर्ड इन नागालैंड फ्रॉम डज इट बिलोंग नए तरह का मछली का एक प्रजाति देखने को मिला है नागालैंड में और उस स्पीसीज का नाम क्या है या फिर वो कौन से स्पीसीज से आती है एंड द आंसर इज़ बड़ीज जो स्पीसीज से वो आती है उस स्पीसीज़ का नाम है बडीज़ मतलब ये जो मछली है ये बडीज कम्युनिटी या फिर फ़िश का जो कम्युनिटी है उससे बिलोंग करती है और इस बडीज स्पीसीज को चैमिलियन फिश भी कहा जाता है क्योंकि ये जो मछली है ये रंग बदलती है ये इस तरह का मछली होता है जो रंग बदलती है नेक्स्ट क्वेश्चन द नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली पास ए रिजोल्यूशन टू एनेट इट्स ओन एक्ट दैट विल मेक द फॉरेस्ट एमेंडमेंट एक्ट 2023 ओनली एप्लीकेबल टू द स्टेट सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अंडर विच आर्टिकल नागालैंड स्टेट असेंबली ने एक बिल पास किया मतलब एक एक्ट एक बनाया है फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023 और इस एक्ट के हिसाब से या फिर इस एक्ट के द्वारा जो स्टेट में जितने भी फॉरेस्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट ही देखेगी और ये किस आर्टिकल के हिसाब से लाया गया है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक आर्टिकल है जिसके हिसाब से नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एक स्पेशल प्रोविजन्स मिलता है जो पहले जम्मू एंड कश्मीर को मिला करता था आर्टिकल थ्री सेवनटी आपको याद होगा जो अभी फिलहाल नहीं है आर्टिकल थ्री सेवनटी और थर्टी फाइव ए जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था उस तरह का कुछ आर्टिकल प्रोविजन है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को स्पेशल कैटेगरी देता है या फिर लाता है सो so, कौन सा आर्टिकल के अंडर ये जो नया एक्ट है ये पास किया गया एंड द आंसर इज आर्टिकल थ्री सेवनटी वन एन द आंसर इज आर्टिकल थ्री सेवनटी वन ए नेक्स्ट क्वेश्चन जो ट्राइब आर फ्रॉम स्टेट जो है ये नॉर्थ ईस्ट के कौन से स्टेट में ज्यादातर मिलते हैं या फिर ये कौन से स्टेट में बिलोंग करती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में द आंसर इज मणिपुर नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रोवाइडेड बाय द मिजोरम पुलिस कवरिंग द पीरियड फ्रॉम 2011 टू जुलाई 2023 ए टोटल

मिजोराम के अंदर और वो डाटा ये भी शो करता है कि जो सुइसाइड का जो रेट है मेल में हायर है और फीमेल में लोअर है मेल में सिक्सटी फाइव परसेंट हायर है और टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में ही अभी तक मिज़ोराम के अंदर सिक्सटी सुइसाइड्स हो चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन ऑर्डर टू एनेबल कैशलेस एंड कैपलेस ट्रीटमेंट एट द मिजोराम मेडिकल कॉलेज टू डैश एंड द डिपेंडेंस ए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट वॉज साइंड विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिज़ोराम मेडिकल कॉलेज जो मिज़ोराम का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है जो नया ओपनिंग किया गया है उस मेडिकल कॉलेज में किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ या फिर किस डिपार्टमेंट के साथ एक मेमोरेंडम एग्रीमेंट टाइप किया है जहाँ पे उस कॉलेज में जाके उस डिपार्टमेंट के लोग ट्रीटमेंट कर पाए और उनके घर वाले भी ट्रीटमेंट कर पाए सो so, कौन से लोगों के लिए ये सुविधा दिया गया है एंड द आंसर इज़ एक्स सर्विसमैन डिफेंस के जो एक्स सर्विसमैन मैन हैं उनके लिए ये सुविधा दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द फर्स्ट एवर रिसपेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस जकापा अवार्ड 2023 ट्वेंटी थ्री डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड ट्राइवल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ मिजोराम गवर्नमेंट ऑफ मीजोर जो है उनका एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड ट्राइवल अफेयर्स ये जो डिपार्टमेंट है ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड देती है एक व्यक्ति को सो उसका नाम है जकापा अवार्ड और टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का जो जकापा अवार्ड है ये कौन से व्यक्ति को मिला है एंड द आंसर इज डॉक्टर लाल रीनावी रालते डॉक्टर लाल रिनावी लालते लालते और वो कहाँ से है वो आइजोल से है मिजोरम के आइजॉल से है नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए मूव टुवर्ड्स एनहेंसिंग हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी मिजोरम्स हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर आर लाल थंगलियाना इनोग्रेटेड द डैश इनिशिएटिव एट द जेमाबॉक अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन आइजॉल मिजोरम के अंदर में हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए मिजोराम की जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है डॉक्टर आर लालथंग लियाना उन्होंने इनोग्रेट किया डैश क्या इनोग्रेट किया उन्होंने एट जेमाबाग अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर आइजोल में उन्होंने एक इनिशिएटिव को इनोग्रेट किया उस इनिशिएटिव का नाम है एनर्जी फॉर हेल्थ एनर्जी फॉर हेल्थ और उस इनिशिएटिव के अंडर में स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट का जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है ये एक सेल्को नाम की फाउंडेशन से जुड़ रही है मतलब एग्रीमेंट टाइप कर रही है जहाँ पे 300 सौ सब सेंटर ऐसे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और सब सेंटर जो है तो उनके अंदर सोलर पावर का इस्तेमाल किया जाएगा अभी नेक्स्ट द एनुअल मार्टर्स डे ऑफ मिजोराम विच सर्व्स एज द ट्रिब्यूट टू दोक्रीफाइस देर लाइफ फॉर द कॉज ऑफ द स्टेट एंड दिजोज इज ऑब्जर्व ऑन डैश आपको पता ही होगा मिजोराम जब हाथ से निकलता जा रहा था 1996-1986 के टाइम तब इंडियन एयरफोर्स ने बॉम्ब भी किया था मिज़ोराम में ताकि वहाँ पर जो उग्रवादी है इंसर्जेंसी जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है उनको काबू में लाया जा सके और उनका जो लीडर था उनका नाम था लाल डेंगा उन्होंने ही स्टार्ट किया था ये मूवमेंट जो मिज़ोराम को भारत से अलग करने का मूवमेंट है मिजो को एक अलग देश चाहिए सो तब बहुत सारे मिजोस ने जान गवाया था तो उन्हीं लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए मिज़ोराम के अंदर में मार्टियस डे मनाया जाता है और वो कौन से दिन में ऑब्जर्व किया जाता है एंड द आंसर इज़ सेप्टर ट्वेंटी सेप्टेम्बर ट्वेंटी और मिजोरम के अंदर जो एयर स्ट्राइक किया गया था ना जो बॉम्ब गिराया था इंडियन आर्मी ने वो 1966 में गिराया था 1966 में गिराया था सो so, इस वीडियो में इतना ही हम लोग ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के छः स्टेट जो है प्राइमरी आसाम को छोड़ के क्योंकि आसाम का करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होता है तो आसाम को छोड़ के मैं सिक्स स्टेट का जो करंट अफेयर्स यहाँ पे मैं सब कुछ कवर कर दिया आप लोगों के लिए आप लोग आराम से इस वीडियो को अगर देखते हैं तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम जिस भी स्टेट में जो भी रह रहा होगा सबको हेल्प मिलेगा और आप लोग अगर आसाम से हो अगर आसाम में ग्रेड थ्री ग्रेड फोर का एग्जाम देना चाहते हैं तो मेरा लिखा हुआ ये जो बुक है ये आप फॉलो कर सकते हो क्योंकि ये एकमात्र ऐसा ही बुक है अभी जहाँ पे मैंने 56 या फिर 60 जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स है ग्रेड थ्री ग्रेड फोर का फिर आसाम में जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो रहे हैं एपीएससी को छोड़ के छोटा छोटा जो एग्ज़ाम है वो कवर किया हुआ अभी तक मार्केट में सिर्फ एक ही बुक है और जो मैंने लिखा है ये मुझे लिखने में एक साल लग गया और ये बुक ही बहुत ही स्पेशियस है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको पढ़ रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं इस किताब से और आप लोग को कहीं पे ढूंढने की जरूरत नहीं है यूट्यूब में कहीं पे आप ये किताब खरीदिए आराम से पेपर्स जो है प्रीवियस पेपर्स वो सॉल्व कीजिए आप लोग को समझ में ऐसे ही आ जाएगा किस कि किस तरह का पेपर आ रहा है असम गवर्नमेंट में तो यही था इस वीडियो में सो थैंक यू फॉर मेकिंग मे पार्ट ऑफ द डे हैप्पी लर्निंग गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू